भाई सारे सीपीएलओ भैया ने सीपीएलओ भर्ती के लिए जो रिजल्ट देख रहे हैं वो अंडर प्रोसेस है। तो अंडर प्रोसेस का क्या मतलब है, इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि कल जो मैंने दो वीडियो डाली थी तो काफी सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि इसको स्पैम मार देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा, आपको जानकारी कहाँ से मिली वगैरह वगैरह, काफी सारे जो है गलत कॉमेंट जो हमारी वीडियो पर डाले गए थे। लेकिन हम जमीन खोद के लेके आए, चाहे आसमान से तोड़ के लेके आए, आपके लिए सही जानकारी जो है लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसलिए नहीं कि आपको सीपीएलओ की जानकारी मिलेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दो ताकि भविष्य में आप हरियाणा की किसी भी स्कीम से, हरियाणा की किसी भी चीज से जो है आप रूबरू हो सको। हर जानकारी आपको यहाँ पर सही और सटीक मिलेगी। रिजल्ट के बारे में आपको बताया था, किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं बताया, तो मैंने बताया आपको कि आज जो है रिजल्ट आने वाला है। तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है आज रात को। तो अब इस फटाफट तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ही दो। बात कर रहे हैं रिजल्ट की, आपका जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेस आया हुआ है। तो अंडर प्रोसेस का यहाँ पर दो मतलब यहाँ पर है। काफी सारे लोग, काफी सारे यूट्यूब वाले इस पर वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाने के बाद जो है ये कहेंगे कि हमने बात की है, ये किया है, वो किया है, और डिपार्टमेंट भी जो है इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको बताएगा कि अंडर प्रोसेस क्यों है, किसी टेक्निकल इशू है, ये है। कोई टेक्निकल इशू नहीं है, अंडर प्रोसेस के सिर्फ दो ही मतलब हैं जो मतलब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहला मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो सैलरी रखी गई है वो 6,000 रुपये रखी गई है, और ये नहीं है कि 6,000 मिलेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस आएगी उस सर्विस पे आपको कमीशन भी मिलेगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। तो अप्रोक्स आप ये मान के चला लो एक महीने के अंदर आप 8 से 9 हजार रुपए जो है आप यहाँ पर मंथली कमा सकते हैं। तो कोई भाई जो है प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर अन्य किसी कंपनी में जॉब कर रहा है जहां पर वो 15 से 20 हजार रुपए सैलरी जो है वो अगर ले रहा है, 15 से 20 हजार रुपए सैलरी अगर ले रहा है, तो वो इस जॉब को ज्वाइन कभी नहीं करेगा। ठीक है, वो इस जॉब को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर कोई 20 हजार रुपए ले रहा है तो वो 6,000 रुपए की जॉब कभी भी नहीं करेगा। तो वो जो है इस जॉब के लिए ज्वाइनिंग यहां पर नहीं करने वाला। और आया जी, आया 2 मिनट में, आयो वो इसको ज्वाइन कर कभी नहीं करने वाला। देखो दुकान पर काफी सारे कस्टमर यहाँ पे बाहर खड़े हैं, लेकिन आपकी लिए वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। ठीक है, तो वो यहाँ पर जॉब नहीं करने वाला। और अगर वो जॉब ज्वाइन नहीं करेगा तो जिन लोगों का अंडर प्रोसेस है उनमें से जिनके नीचे नंबर है ऐसे करते करते वो आपको ज्वाइन करवाएंगे। इसीलिए आपका जो रिजल्ट फिलहाल अंडर प्रोसेस रखा गया है ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं करें नेक्स्ट पकड़ो, ज्वाइन नहीं करें नेक्स्ट पकड़ो, मतलब मुर्गा ही न पकड़ना है, कोई ना कोई तो मुर्गा ठहरेगा, सीधी सीधी बात यह है। और दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि अगर इन लोगों ने 6,000 रुपए ही सैलरी देनी थी तो इससे अच्छा एचकेआरएन के तहत इसकी जवानी करा देता। पहला पेपर लिया है, दूसरा पेपर लिया है, उसके बाद रिजल्ट का इंतजार किया, लोगों से 1,000-1,000 रुपए लिए हैं, जबकि एचकेआरएन का फार्म जो है वो 236 रुपए में फार्म भरा जाता बिना टेस्ट के, बिना उसके ज्वाइनिंग होती, जिसकी सैलरी होती 18 से 20 हजार रुपए। क्यों 18 से 20 हजार रुपए एचकेआरएन की सैलरी होती, लेकिन दो पेपर ले लिए फिर भी खुद काट दिए लोग 6,000 रुपये सैलरी प्लस मुर्गा की बाट देख रहे हैं, भाई तू नहीं आवा, दूसरा होगा वो नहीं आवा, तीसरा होगा वो नहीं आवा, तो वो आवगा। इसीलिए आपका रिजल्ट जो है वो अंडर प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है। और दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि काफी सारे भाई जो हैं जिनका ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर जो है ज्वाइन हो चुके हैं और बहुत सारी जगह पर, अन्य भी जगह पर भी जो है इंडियन आर्मी के अंदर अन्य किसी जगह पर बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो वो जो है इस जॉब को ज्वाइन नहीं करने वाले 6,000 रुपए की जॉब को, तो उस लोगों को जो है अगर वे जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए जो है अलग से दूसरे कैंडिडेट जो है वो लेने वाले हैं और उन्हीं का रिजल्ट जो है अंडर प्रोसेस रखा गया है ताकि अगर वो मुर्गा नहीं ठहरा तो थम मुर्गे को थम न पकड़े जाओगे। ठीक है, इसका डिपार्टमेंट का यही है। अगर किसी भाई को ज्वाइनिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए है कि कैसे ज्वाइन करना है, कहां पर जाना है, तो उसके लिए कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी भी प्रॉपर जानकारी दे दूंगा कि कैसे आगे प्रोसेस क्या करना है। ठीक है, मैं चाहूंगा सारे भाइयों ने राम राम।